नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी। आज बात करेंगे कपालभाति के बारे में। भाई जी, कपालभाति के बारे में बता दो, प्राणायाम बता दो, कैसे करना है, कैसे क्या सब कुछ करना है। तो कपालभाति की डिटेल वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कैसे कपालभाति करनी है, किन्हें नहीं करनी है, कौन लोग कपालभाति के फायदे उठा सकते हैं, कपालभाति आपके शरीर पे आखिर करती क्या है। स्वामी रामदेव ने, बाबा जी ने बहुत अच्छे से योग को आगे फैला दिया है, तो उसमें कपालभाति अनुलोम विलोम उन्होंने प्राणायाम कराए और अलग अलग आसन कराए जो देश दुनिया में लाखों लोगों ने उसके फायदे उठाए। तो कपालभाति कहीं ना कहीं इसीलिए अनुलोम विलोम और कपालभाति दो प्राणायाम ऐसे हैं जो कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने किए ही होंगे अगर योग किया है तो। तो कपालभाति करनी कैसे है, सेटेड पोस्चर कैसे रखना है इसमें अपना, और किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है कपालभाति में, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, वो इस वीडियो में आप जानोगे। सबसे पहले अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन योग करना चाहते हो, जो नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है इस पे कॉल करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पहली क्लास फ्री है, ज्वाइन करके देखें, अच्छा लगे तो आगे आप योग करना, अदरवाइज खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना। योग करना जरूरी है लेकिन आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो अभी वीडियो देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जिम और योग से रिलेटेड वीडियोस, आपकी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस यहां आती रहेंगी। कपालभाति देखो, सबसे पहले सेटेड पोस्चर ज्ञान, बाद में पहले बात क्या, आपको सेटेड पोस्चर अपना कंफर्टेबल रखना है, पैर अच्छे से फोल्ड कर लेने हैं। अगर आप न्यू भी हो, यानी पहले आपने कभी योगा नहीं किया है, तो आराम से ऐसे बैठो, एक बॉलस्टर लगा लो अपने हिप के नीचे, या फिर कोई ऐसा तकिया होगा आपके नीचे उसे लगा लो, ताकि हिप आपके थोड़े से एलिवेट हो जाए, उठ जाए और आप कंफर्टेबल बैठ पाओ। अगर नहीं बैठ पाते हो तो ऐसे बैठे हो, ठीक है, पैर आराम से आप फोल्ड कर लोगे, हाथ आप अपने अर्थ मुद्रा में, या तो आप रख लोगे पृथ्वी मुद्रा में इस तरीके से हाथ, या फिर आप अग्नि मुद्रा में हाथ दबा के रख लेना, क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं आपकी अर्थ को, जो कनेक्शन होता है अर्थ का उसको स्टिमुलेट करते हैं शरीर के साथ, ठीक है। दूसरी बात, यह आपके पांच तरीके की वायुज होती हैं बॉडी में, पांच तरीके की वायुज से बना हुआ हमारा बॉडी है, उसमें अपान जो वायु होती है, जो नाभि से नीचे की वायु होती है उसको यूज करते हैं, और आपके प्राण वायु जो ऊपर हेड तक होती है उसमें चैनलाइज करके आपके पूरे चक्रास पे यह काम करती है कपालभाति। आप कपालभाति करते कैसे हैं, देखिए कपालभाति आप ऐसे इस मुद्रा में आप हाथ रखोगे, मैं बता रहा हूँ कि ये वाली मुद्रा आप ऐसे तीसरी उंगली दबाओगे, ऐसे हाथ रखोगे और पेट अंदर, सांस झटके से बाहर जाएगी, झटके से सांस बाहर जाएगी, पेट आपका अंदर जाएगा। अगर आप न्यू पहली बार कर रहे हो तो अपना एक हाथ पेट पे रख लेना, पेट अंदर और सांस झटके से बाहर, जो अंदर सांस आ रही है वो नेचुरल तरीके से आ रही है, उसमें आप कोई फोर्सफुली नहीं ला रहे हो, वो नॉर्मल, जब आप इतनी तेज सांस छोड़ोगे तो एक नॉर्मल सांस भी अंदर आती है, इस तरीके से आपको वो सांस भर लेनी है। इसके आपको कितने स्ट्रोक्स करने हैं, आप अगर बिगनर हो भाई, पहली बार योग कर रहे हो, तो आपको कितने करने हैं कपालभाति, एक बारी में आप 30 से 40 स्ट्रोक करो। 30 से 40 स्ट्रोक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सेकंड में एक करोगे तो 40 सेकंड कर पाओगे, आपका पेट जल्दी थक जाएगा तो अंदर जाना बंद कर देगा, ये पेट अंदर ज्यादा देर जा नहीं पाएगा, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे फिर स्टार्ट करोगे, इस तरीके से 5 मिनट आप प्रैक्टिस करोगे। टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग मॉर्निंग का हो तो मैं कहूंगा 100% ऑल राइट है, 100% अगर आप सुबह मॉर्निंग में करते हो पानी पीने के बाद, या फिर एम्प्टी स्टमक, तो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाला है। इवनिंग, सुबह नहीं उठ पा रहे हो, काम वाम में आपका चलो नहीं हो पा रहा है, मजबूरी है कुछ, तो दिन में कर लो, शाम को कर लो जब आपका पेट खाली हो, खाने के 2-2.5 घंटे बाद, ठीक है। प्रेफरेंस रखें कि मॉर्निंग में करें, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है तो इवनिंग में कर लें, लेकिन कर लेंगे तो फायदा मिलेगा, बिल्कुल ना करने से तो अच्छा है आप इवनिंग में कर लो, ठीक है। तो इवनिंग में भी आप कर सकते हो, हाथ पृथ्वी मुद्रा में ही रखना, आप बिगनर हो तो 5 मिनट करोगे, इंटरमीडिएट हो थोड़ी ब्रीदिंग आप अपनी तेज कर सकते हो, किस तरीके से ऐसे मैं दिखाता हूं आपको, हाथ ऐसे रखना, एक बारी में लगभग 150-200 स्ट्रोक्स करना है। स्ट्रोक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्फ आप काउंट कर सकते हो, अपनी ब्रीथ के साथ कनेक्ट रहना, सांस को बाहर जाते हुए महसूस करना, आंखें बंद करना, अपने आप को अच्छे से शांति महसूस करना। ये जो जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, भाई करंट में है हाई बीपी, वो ना करें, हाई बीपी है अगर ठीक ठाक चल रहा है आजकल तो कपालभाति धीरे धीरे स्टार्ट करें, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, लोअर बैक की दिक्कत है, वो आराम से हिट करें पेट को, और पेट को महसूस करना है कि आपने इतना तेज पेट हिट करना है कि लोअर बैक से टच हो गया, सिर्फ फील करनी है ताकि आप कनेक्शन अपने साथ बिठा के रख सको। बाकी जिन लोगों को डायरिया वगैरह है वो लोग थोड़ा सा आराम से करें, पेट से जुड़ी हुई समस्या है वो थोड़ा आराम से करें,
बाकी सब लोग खुल के करें, धीरे धीरे आप इंटरमीडिएट बिगनिंग से स्टार्ट करोगे, पेट पे हाथ रखने के बाद 5 मिनट करो, फिर थोड़े थोड़े एडवांस होते जाओगे, अपनी धीरे धीरे ब्रीदिंग को बढ़ाते जाओ, 10 से 15 मिनट हर रोज करो। कपालभाति के अनगिनत फायदे, अनगिनत फायदे बीपी वालों लोगों के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए, अपनी आम जिंदगी में अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे अपने दिमाग को खोलने के लिए, ब्रेन को शार्प करने के लिए, जो लोग याद नहीं रख पाते चीज़ों को उनको याद रखने के लिए अनगिनत फायदे भाई कपालभाति के। मैं फायदे बताते बताते थक जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सिर्फ करना स्टार्ट करो, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में फायदे देखो, अपने शरीर में चेंजेस देखो, उसके बाद कमेंट लिखना, आना पहले करो, उसके बाद में कुछ चीज़ के फायदे देखने की कोशिश करो, पहले करना स्टार्ट करो। योग ऐसी चीज़ है जिसको करके ही आपको पता लगेगा, बताने से पता नहीं लगेगा, करोगे फायदे उठाओगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या योग सिर्फ एक एक्सरसाइज प्राणायाम ही है, योग एक लाइफस्टाइल है, इसको जीने का तरीका है। जिए योग को, करें योग को मन के साथ, दिमाग भी शांत होगा, मेंटल हेल्थ जिनकी सही नहीं रहती है वो भी ठीक रहेगी, और आप फिजिकल भी सही रहोगे। करो, हमारा उद्देश्य यही है कि योग को फैलाना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सीखने को कुछ मिला हो तो लाइक छोड़ के जाएं, कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं जो नंबर चल रहा है, योगा कर सकते हैं हमारे साथ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।